आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के लगभग 10 बज रहे थे। कुश और आर्या अपने गांव जा रहे थे। आर्या प्रेग्नेंट थी। रास्ते में उनकी गाड़ी गड़बड़ हो गई, इस वजह से उन्हें जाने में रात हो गई थी। गांव का रास्ता घने और बेहड़ जंगलों से होकर गुजरता था। उस दिन अमावस्या की रात थी, इसलिए रात भी भयानक काली और डरा देने वाली थी। कुश ने गाड़ी तेज चला रखे थे जिससे वो समय से गांव पहुंच जाए, लेकिन जंगल में एक जगह पहुंचकर उनकी गाड़ी अचानक से रुक गई। कुश ने आर्या को गाड़ी में बैठे रहने के लिए ही कहा और खुद गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक करने लगा। गाड़ी चेक करते टाइम उसने फ्यूल टैंक चेक किया तो वो ख़त्म हो चुका था, जबकि उन्होंने चलते टाइम ही फ्यूल पूरा फुल करवाया था। तभी आर्या भी गाड़ी से उतरकर आ गई और बोली, क्या हुआ, ये गाड़ी अचानक रुक क्यों गई? गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया। फ्यूल ख़त्म हो गया? लेकिन हमने तो आते टाइम ही फ्यूल भराया था। कुछ सोचने लगा और फिर बोला, हाँ लेकिन ख़त्म हो गया, अब हमें किसी तरह यहीं रात गुजारनी होगी। आर्या थोड़ा डरते हुए बोली, इस बेहड़ जंगल में? कुश गाड़ी में लॉक लगाते हुए बोला, हाँ हमारे आसपास कोई दूसरा रास्ता भी तो है नहीं। रुको मैं देखता हूँ, शायद आसपास कोई रुकने की जगह हो। कुश अपने मोबाइल की लाइट चलाकर इधर उधर देखता है तो उसे एक घर टाइप का कुछ दिखाई देता है। वो आर्या से बोलता है, चलो शायद वहाँ कुछ है, हम शायद रुक सकते हैं वहाँ। आर्या उस तरफ देखने के बाद कुश को बोलती है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा, मतलब इस उजड़े जंगल में घर का होना? कुश थोड़ा लापरवाह हो गया और बोला, हमें क्या लेना देना, हमें तो बस रात गुजारनी है। आर्या ना चाहते हुए भी उसके साथ उस तरफ चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो घर के पास पहुंच जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात थी कि घर का दरवाज़ा खुला था और वहाँ लाइट भी चल रही थी, जबकि आसपास कोई नहीं था। कुश और आर्या जैसे ही अंदर घुसते हैं, घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और सारी लाइटें बुझ जाती है। कुश और आर्या दोनों ही डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी घर के किसी कोने से दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की जिसका पूरा शरीर जल चुका था और उसके पूरे शरीर पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे, वो हंसते हुए बाहर आती है और कहती है, आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, आखिर तुम आ ही गए। तुमने जो मेरे साथ किया था वही अब इसके साथ करोगे ना? उस लड़की को देखकर कुश की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसे याद आ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी निशा थी, जिसकी बेटी पैदा होने पर कुश और उसके परिवार वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। तभी कुश हकलाते हुए बोला, निशा तुम? निशा हंसते हुए बोली, चलो तुम्हें मैं याद तो हूँ, उस दिन तुमने मुझे और मेरी बेटी को चलाकर मार डाला और आज मेरी बारी है। आर्या एक कोने में खड़े अभी भी उन दोनों को देखे जा रहे थे, लेकिन निशा ने एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुश अपनी जान की भीख मांग रहा था, मुझे माफ कर दो, लेकिन निशा बोली, अब कोई फायदा नहीं, पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग कब समझेंगे। कुश अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और निशा वहीं खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ देर बाद जब कुश हिम्मत हार गया तो वो वहीं बैठ गया। निशा को एक पल नहीं लगा उसके सिर को धड़ से अलग करने में। निशा ने कुश को मार डाला था। आर्या जैसे किसी पुतली की तरह वहीं खड़ी थी।
तभी निशा उसकी तरफ पड़ने लगी। आर्या झटके से पीछे हटने लगी और बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे मत मारो। निशा उसके करीब आ गई और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारे होने वाली संतान बेटी है, ये गांव ले जाकर तुम्हें भी मार देता जैसे इसने मुझे मारा था। यही करते हैं ये लोग, इसलिए इसके कर्मों की सजा तो इसे मिलनी ही थी। तुम सुबह होते ही सीधे शहर चली जाना और दोबारा यहाँ फिर कभी मत आना। अपनी बेटी को एक अच्छी परवरिश देना, बेटियाँ भगवान का अनमोल उपहार है। आर्या बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। वो रात भर वहीं रुकी रहे और सुबह होते ही वापस शहर चली गई। बाद में उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने निशा रखा। जंगल में आज भी वो भूतिया घर है और हर बेटी को बोझ समझने वाले को निशा मार देती है। आर्या अक्सर लोगों से उस भूतिया घर और उसकी चुड़ैल की कहानी सुनती है, लेकिन ये तो सिर्फ वही जानती है कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि देवी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा भाई मानव मुझसे 3 साल बड़ा है और वैसे वो बहुत स्ट्रांग भी है और कभी किसी चीज से नहीं डरता। गर्मियों की छुट्टियों की बात है, हम लोगों ने एक दूसरे घर में शिफ्ट किया था क्योंकि पापा का बार बार ट्रांसफर होता रहता था। घर देखने में बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी था, लेकिन काफी पुराना था। वहाँ के लोग तभी आवाज में उस घर के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते थे कि वहाँ कोई भूत प्रेत या कोई नकारात्मक शक्ति जैसी कोई चीज है, लेकिन मेरे घर वाले इस बात को नहीं मानते थे और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी मजाक भी उड़ाया करते थे। पापा तो सीधे यही बोलते थे कि जो लोग इतना बड़ा और अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकते वो ही लोग ऐसी बातें बनाते हैं ताकि कोई और भी वो घर ना ले सके। और कभी कभी एक बिल्डर भी ये काम करता है ताकि प्रॉपर्टी के रेट डाउन कराकर वो प्रॉपर्टी को अपने मनचाहे रेट में खरीद कर उसमें कुछ भी बना दे ताकि उसको मुनाफा हो सके। कुल मिलाकर हमारे घर का कोई भी इंसान इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है। खैर, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। शुरुआती पहले हफ्तों में कुछ दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम सब साथ में सोते थे। अब इतना बड़ा घर था और हम लोगों को अलग सोने या रहने की आदत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम दोनों भी बड़े हो गए हैं तो क्यों ना हम लोग भी अलग अलग रूम में सोएं। फिर क्या था, मेरा भाई मानव उसने डिसाइड किया कि अब से वो एक अलग रूम में सोएगा और उसने अपना एक रूम चूज कर लिया। चूंकि मैं बहुत छोटा था तो मैंने मना कर दिया। उस पहली रात को लगभग आधी रात को अचानक मेरे भाई के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और हम एकदम से उठकर भागे तो देखा मेरा भाई पूरी तरह से पसीने से लथपथ है और डर के मारे हांफ रहा था। जैसे ही उसने मम्मी पापा को देखा वो एकदम से भाग कर उनके गले लग गया और रोने लगा, कहने लगा कि वो यहाँ अकेले नहीं सोएगा। अगले दिन फिर मेरे भाई ने जिद पकड़ ली कि वो अलग ही सोएगा। कल तो पहली बार था तो शायद इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगा। अब मम्मी पापा भी मान गए और फिर उसी रूम में जाकर वो सो गया। तकरीबन 2 बजे होंगे कि मेरे भाई के फिर से जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और हम लोग फिर भाग कर गए तो देखा कि वो सोया हुआ है और इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं है। हमें लगा कि शायद हमारे कान बजने लग गए हैं और हम फिर वापस से जाकर सो गए। अगले दिन सुबह भाई कुछ कमज़ोर सा लग रहा था, अचानक से मानो जैसे कितनी रातों से सोया ही नहीं हो।
मम्मी ने उसको कहा कि तू ऐसा मत कर, वहां मत सो, हम लोगों के साथ सो जाया कर। लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था, जैसे कोई भूत सा सवार हो गया हो, वो मान ही नहीं रहा था। उस दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना बेड वहीं लगवा लूं, दोनों साथ में सो जाएंगे और भाई को डर भी नहीं लगेगा और कंपनी भी मिल जाएगी। फिर क्या था, मैंने भी अपना बेड वहीं लगवा लिया। उस रात ठीक 2 बजे भाई ने जैसे ही चीखा मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा एक बूढ़ी लाल बालों वाली औरत भाई के गले पर बैठकर अपनी लंबी लंबी जीप से उसे चाट रही थी और भाई चीखे जा रहा था। और ये सब देखकर मेरी अपने बेड से उठने की हिम्मत नहीं हुई, बस मैं अपने चादर में मुंह डालकर वो सब देख रहा था। जैसे तैसे सुबह हुई और सबसे पहले मैंने ये बात मम्मी और पापा को बताई। वो लोग तो मेरी इस बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। कि भाई ने भी बोला कि ये सही बोल रहा है, लेकिन उसने मुझसे बोला कि मैं अगर ये बात किसी को बताऊंगा या फिर अलग कमरे में सोऊंगा तो वो सबको मार डालेगी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी वहाँ सोना पड़ता है। बस फिर क्या था, मम्मी पापा ने वहाँ के लोकल से बात की तो पता लगा ये घर एक बहुत ही खूंखार और बहुत बुरी लाल बालों वाली बुढ़िया का घर था और अपने आखिर दिन में वो अपने बेड पर ही सड़ सड़ कर मर गई। और जैसे ही हमें इस बात का पता लगा तो सबसे पहले हमने उस बेड को जला दिया ताकि वो दोबारा ना आ सके। अब हम और भी रिलैक्स्ड हैं कि अब कोई परेशानी नहीं होगी और हम फिर उसी रूम में जाकर सो गए। लेकिन जब आधी रात हुई तब फिर से वही सब भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज़ से और फिर वही लाल बूढ़ी वाली औरत भाई के मुंह को अपनी जीभ से चाट रहे थे। और फिर अगली सुबह ही हमने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। गांव के चौपाल पर बैठकर अभी हम चार दोस्त बातें कर ही रहे थे कि तभी उनमें से मेरे एक दोस्त अजय ने कहा, कल मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ, तुम लोग चलोगे क्या मेरे साथ? जिस पर मैंने कहा, अरे नहीं भाई, खामखा मामा जी और उनके परिवार वालों को तकलीफ देकर क्या फायदा। जिस पर अजय ने कहा, मामा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो अकेले रहते हैं, उनका इस दुनिया में हमारे सिवा और कोई नहीं है। और हाँ, अगली बार जब मामा जी आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मेरे घर आना तो अपने दोस्तों को भी लेते आना। अजय के काफी जिद करने के बाद हम सभी दोस्त मान गए और हमने तय किया कि हम कल दोपहर का खाना पीना खाकर 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे, जिसके बाद हम अपने अपने घर आ गए। और सारी तैयारी करने के बाद अगले दिन दोपहर का खाना पीना खाकर गांव के चौपाल पर पहुंचे और वहां से गांव के रेलवे स्टेशन की तरफ चलते बने। जब हम स्टेशन में पहुंचे तो वक्त हो रहा था दोपहर के 2:30 बजे का, लिहाजा हमने टिकट कटवाया तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। ये सुनकर मेरे तीनों दोस्त मायूस हो गए, जिस पर मैंने कहा, छोड़ ना कोई बात नहीं, बस आधा घंटा ही लेट चल रहा है ना, 2 घंटा तो नहीं है ना। ये सुनकर मेरे दोस्तों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और हम बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। करीब 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई और हमारी ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। अभी हमारी ट्रेन बस 2-4 स्टेशनों को पार की ही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। इतनी तेज बारिश को देखकर अजय ने कहा, अरे यार, अगर ऐसी बारिश होती रही तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि काफी बारिश होने पर स्टेशन से मामा के घर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से डूब जाता है। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बारिश रोकना ये हमारी तो क्या किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है।
करीब 5 घंटा ट्रेन में बिताने के बाद जब हम मामा के घर के स्टेशन पर उतरे तो भी बारिश काफी जोरों शोरों से बरस रही थी। मैंने जब इधर उधर देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि ये कोई स्टेशन है, क्योंकि ना तो मुझे वहां स्टेशन का नाम दिख रहा था और ना ही प्लेटफॉर्म पर होने वाली किसी तरह की चीज। पूरा इलाका बस घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रेन से भी बस हम 4 दोस्तों के अलावा और कोई उतरा नहीं था। अभी हम खड़े खड़े भींग ही रहे थे कि तभी मैंने कहा, अजय ये तेरे मामा के घर का स्टेशन ही है ना, हम कोई गलत जगह पर तो नहीं उतर गए ना। इस पर अजय ने कहा, हाँ हाँ भाई यही है, वो देख स्टेशन मास्टर का कमरा। अजय के बताए जगह पर मैंने जब अपनी निगाहें घुमाई तो हाँ मुझे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर दिखा जिसके दरवाजे पर एक लालटेन जल रहा था और उस घर के ऊपर दीवार पर लिखा था शीतलगढ़ स्टेशन। हम चलकर स्टेशन मास्टर के कमरे में गए तो वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी स्टेशन मास्टर के यूनिफॉर्म पहनकर चेयर पर बैठा हुआ था। हम देखते ही समझ गए कि यही स्टेशन मास्टर है, जिस पर अजय ने कहा, हमें लालगंज गांव जाना है तो अभी कोई रिक्शा या बैलगाड़ी मिलेगी? जिस पर उस स्टेशन मास्टर ने कहा, काफी देर से बारिश हो रही है जिस कारण पूरा रास्ता पानी में डूबा हुआ है, कोई सवारी तो दूर, आप लोग पैदल भी नहीं जा सकते। ये बात तो अजय ने हमें पहले ही बता दी थी, मगर इस मूसलाधार बारिश में हम पूरी रात कहाँ बिताएंगे। जिस पर मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, मगर हम लोग इस बारिश में कहाँ जाएंगे, आप रुकने के लिए कोई जगह बता सकते हैं? इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं इस मामले में मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर हम उस कमरे से बाहर निकले तभी मेरी नजर खेतों के बीच थोड़ी दूरी पर एक घर में गई। उस घर को देखकर हमारी आंखों में हल्की सी चमक आई। हम चलकर वापस स्टेशन मास्टर के पास गए और उनको उस घर के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने कहा, उस घर में तो कोई भी नहीं रहता और सारे खिड़की दरवाजे भी खुले हुए हैं, मगर मैं आप लोगों को उस घर में रुकने की हिदायत नहीं दूंगा। स्टेशन मास्टर के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है, जिस पर मैंने कहा, क्यों उस घर में भूत रहता है क्या? इस पर स्टेशन मास्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिस पर हम सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और स्टेशन मास्टर से बोले, हमें डर वर नहीं लगता, हम रह लेंगे, आप बस हमें एक लालटेन दे दीजिए। इस पर स्टेशन मास्टर भी तैयार हो गए, जिसके बाद उनके पास से एक लालटेन लेकर हम बारिश में भींगते हुए उस घर के पास पहुंचे तो सच में वो घर खाली पड़ा हुआ था और उस घर को देखने से ही पता चल रहा था कि उस घर में काफी सालों से कोई नहीं रहा। हम चलकर उस घर के अंदर आगे बढ़े तो अंदर का माहौल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने लालटेन की रोशनी तेज की तो हमने देखा कि पूरा घर खंडर में तब्दील हो चुका है और जगह जगह पर मकड़ी के जाले नजर आ रहे हैं। उस घर में 2 कमरे थे जिनमें से एक कमरा थोड़ा साफ सा लग रहा था तो हम उस कमरे में जाकर बैठ गए और लालटेन को कमरे के बीच में रख दिया ताकि कमरे के चारों तरफ हल्की रोशनी आ सके। सुबह से ट्रेन में लंबे सफर तय करने के बाद हम काफी थक चुके थे, मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि हम में से किसी को भी हल्की सी भी नींद नहीं आ रही थी। हम बैठकर अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई किसी चीज को जोर जोर से पटक रहा हो। उस आवाज को सुनकर मैंने कहा, ये कैसी आवाज है और कहां से आ रही है? जिस पर अजय ने कहा, लगता है भूत आ गया। अजय की ये बात सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया और लालटेन लेकर कमरे से बाहर निकला ताकि आवाज
कहां से आ रही है उसे ढूंढ पाऊं। ढूंढते ढूंढते मैं बगल के कमरे में आ गया तो वहां मुझे जमीन पर एक काफी बड़ा काला कपड़ा गिरा हुआ दिखा। उस कपड़े को देखकर मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले इस कमरे को देखने आया था तब तो यहाँ कोई कपड़ा नहीं था, तो ये कपड़ा आया कहाँ से? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो कपड़ा अचानक से हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि भला ये कपड़ा उड़ कैसे रहा है, यहाँ तो हल्की सी भी हवा नहीं आ रही। अभी मैं डर ही रहा था तभी उस कपड़े ने एक आदमी का रूप ले लिया। ये देखकर मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कपकपाने लगा और मैं दौड़कर अपने दोस्तों के कमरे में गया, जहाँ का नज़ारा देखकर मैं और सहम गया। दरअसल अब मेरे दोस्त उस कमरे में नहीं थे और वो कमरा पूरी तरह से खाली था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी मेरे दोस्त कहाँ गए। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, तेरे दोस्तों की तरह तू भी मरेगा। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ठीक मेरे सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे जिनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। अभी मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी उस भूत ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही मेरी आंखों से सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था तभी मेरे तीनों दोस्त वहां आ पहुंचे, जिन्हें देखकर वो दोनों भूत हवा में धुआं हो गए। कुछ देर संभलने के बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे उस भूत ने तो कहा था कि तुम लोग मर गए हो। जिस पर अजय ने कहा, वो सब छलावा था, तू जब उस कमरे में गया तो वो भूत तेरा रूप लेकर हमारे पास आया और तेरी आवाज में कहा इस घर से जल्दी चलो। उसकी बात मानकर हम लोग घर से बाहर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद तेरा रूप लेने वाला वो भूत गायब हो गया, तब हम दौड़कर इस घर में आए। अजय की बात खत्म होने के बाद हम वापस स्टेशन मास्टर के कमरे में गए और उनको पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा, आज से 2 साल पहले उस घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन उस घर में आग लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई, तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।